नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। सब्जियों की कीमतों पर जारी है निगरानी, मेयर ने दी जानकारी, कहा स्कूल बसों की भी की जाएगी फिटनेस टेस्ट। सिलीगुड़ी के एक होटल से प्राचीन विदेशी मुद्रा बरामद, खुफिया विभाग ने दो लोगों को किया गिरफ्तार। नेपाल में प्रकृति ने बहाया कहर, भारी बारिश और भूस्खलन से यात्रियों से भरी दो बसें त्रिशूली नदी में गिरी, 63 यात्री लापता, 7 भारतीय शामिल। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपए मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल सरकार का राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य सरकार के वकील संजय बसु ने कहा कि यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 200 के उल्लंघन के आधार पर दायर की गई है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पहले 6 विधेयक पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा और आखिरी 2 नए राज्यपाल के कार्यालय में पारित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामलों में राज्यपालों को निर्देश दिए हैं कि वे विधेयकों को तुरंत वापस भेजें। सब्जियों की कीमतों पर जारी है निगरानी, मेयर ने दी जानकारी, कहा स्कूल बसों की भी की जाएगी फिटनेस टेस्ट। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दार्जिलिंग की जिला शासक और अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर सब्जी की कीमतों पर निगरानी के लिए जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में टास्क फोर्स की टीम सक्रिय है। इसके अलावा स्कूल बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें आरटीओ को बस की फिटनेस जांचने और चालकों के साथ बैठकर निर्देश दिया गया। मेयर ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की सफाई के बारे में भी जानकारी दी। গতকাল বিকেলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দার্জিলিং তার সাথে একটা জরুরি একটা মিটিং করি। মিটিংয়ে ডিএম ম্যাডাম ছিলেন, শিলিগুড়ি এসডিও এবং অন্যান্য আধিকারিকরা ছিলেন। একটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই জানেন যে সবজি অন্যান্য জিনিসপত্র যে একটা আর্টিফিশিয়াল মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, সেটা নিয়ে ভিজিলেন্স করা, তার জন্য বাজারগুলো পরিদর্শন করা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন জায়গাতে, রাজ্যে এবং কলকাতাতে সেই কাজটা হচ্ছে। আমাদের শিলিগুড়ি শহরও বিভিন্ন বাজারে এবং আমাদের পাইকারি বাজার আছে বড়, সেইখানে পাইকারি বাজারের রেট আর খুচরো বাজারের রেট এবং তার মধ্যে তারতম্য, এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে দেখার জন্য অনারেবল চিফ মিনিস্টার যে নির্দেশিকা বা যে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সেটা যাতে আমাদের এখানে প্রপারলি ফলো হয়। सिलीगुड़ी के एक होटल से प्राचीन विदेशी मुद्रा बरामद, खुफिया विभाग ने दो लोगों को किया गिरफ्तार। खुफिया विभाग ने खरीदार बनकर प्राचीन विदेशी मुद्रा बरामद कर ली। घटना में दो लोगों को एमडी सफुद्दीन और दीपानंद मजुमदार को गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि गिरफ्तार दोनों उत्तर दिनाजपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों सिलीगुड़ी के मेडिकल चौकी अंतर्गत कदमतल्ला इलाके में दुर्गा मंदिर के बगल में एक होटल में रुके थे। तभी खुफिया विभाग और मेडिकल चौकी की पुलिस ने दोनों लोगों को विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि यह विदेशी मुद्रा करीब 148 साल पुराना है। इस सिक्के की वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत लगभग 75 लाख रुपये है। नेपाल में प्रकृति ने बरपाया कहर, भारी बारिश और भूस्खलन से यात्री से भरी दो बसें सड़क के नीचे बहती त्रिशूली नदी में गिर गई। आज सुबह नेपाल के चितवन जिले में दो बसों के सड़क धंसने से दुर्घटना में 63 लोग लापता हो गए, जिनमें 7 भारतीय शामिल हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल ने बचाव कार्य के आदेश दिए हैं। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ, जब बसें त्रिशूली नदी में गिर गई। चितवन के प्रशासनिक अधिकारी इंद्रदेव यादव ने अनुसार भारी बारिश के कारण सड़क धंसने की यह घटना हुई। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया है।
टास्क फोर्स ने शुरू किया सब्जी व्यवसायियों पर शिकंजा कसना, तय किए गए दाम चेतावनी दी गई। मुख्यमंत्री के आदेश पर टास्क फोर्स ने सिलीगुड़ी के विभिन्न बाजारों का दौरा किया। टीम ने बांगरकोट, सुभाषपल्ली और घुंघुमारी बाजारों का निरीक्षण किया, जहां थोक और खुदरा बाजार में सब्जी की कीमतों में बड़ा अंतर पाया गया। टीम ने ऊंची कीमतों पर सब्जी बेचने वाले व्यवसायियों को चेतावनी दी और मूल्य निर्धारित किया। यदि निर्धारित दर से अधिक पर सब्जी बेची गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से आम लोग खुश है। और আমরা নিজেরা হচ্ছে মার্কেটে গিয়ে ভিজিট করি, এখানে আপনাদের সামনে বলছে যে 60 টাকা করে আমরা টমেটো বিক্রি করছি, কিন্তু আসলে 80 টাকা থেকে 100 টাকা, মানে এই বাজারে আপনি দেখবেন পরের লাইনে 100 টাকা করে টমেটো প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে। তো এই বিষয়টা তো আপনারাও আপনাদের চোখে দেখলে কি বলবেন? আমরা এই জন্যই রেগুলার মনিটরিংটা বেশি করে করছি, যাতে সকালে এবং বিকালে এবং পারলে রাতের দিকেও আমরা মনিটরিং করি যতক্ষণ সবজি দোকান খোলা থাকে। এবং আমরা আপাতত যে একটা টিম নিয়ে করেছি, এই টিমগুলোকে আরও ভেঙে ভেঙে আরও বেশি করে মনিটরিং আমরা বাড়াবো। পদক্ষেপ একটাই, রেট কমাতে হবে, যদি রেট না কমায় তাহলে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অনেকটা তাই মনে হচ্ছে, যা খবর পাচ্ছি অনেক, আমরা বিভিন্ন কাস্টমারদের সাথে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে যা বুঝছি এই সমস্যাটা আছে, এবং আমরা যাওয়ার পরে দাম কমে গেছে সত্যি, পরবর্তীতে এই সমস্যা কমপ্লেনগুলোও আসছে যেটা আপনারা বললেন। সুতরাং আমরা দেখছি মনিটরিং আরও বাড়াচ্ছি। এটা কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানা এই ধরনের? NF रेलवे मजदूर संघ ने की पुरानी पेंशन नीति को वापस लेने की मांग। NF रेलवे मजदूर संघ ने पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए सिलीगुड़ी के ADRM कार्यालय में ज्ञापन दिया और विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने 2024 में पुरानी पेंशन नीति रद्द कर दी है, जिसके खिलाफ देश भर में विरोध जारी है। आज का प्रदर्शन 11 जुलाई 1960 को रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन की याद में आयोजित किया गया, जब पुलिस ने गोलीबारी की थी। संघ की मांग है कि पुरानी पेंशन नीति को तुरंत वापस लिया जाए। 12 जुलाई আমাদের সারা ভারতবর্ষে অল ইন্ডিয়া রেলওয়েজ ফেডারেশনের যত অ্যাফিলিয়েটস ইউনিয়ন আছে, আজকে পুরো ভারতবর্ষে যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে সব জায়গায় আজ এই বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের সামনে। আপনারা জানেন গত 2022 ভারত সরকার ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি সেক্রেটারিকে দিয়ে, হেডেড বাই সেক্রেটারি, ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি সেক্রেটারি একটা কমিটি তৈরি করেছিল, তাতে নিউ পেনশন স্কিমের যে আমরা বিরোধিতা করছিলাম তাকে কি করে রিফরমেশন করা যায় বা OPS কি করে আনা যায় তার জন্য একটা কাজের ভার দিয়েছিল। আজকে 2 বছর হয়ে গেল, তার কোনো এখনো রেজাল্ট বেরোয়নি। আমরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে জানাতে চাই যে সেই রিপোর্ট ইমিডিয়েট আমাদেরকে আমাদের সামনে আনতে হবে এবং তাকে লাগু করতে হবে। তার কি রিপোর্ট এসেছে সেটাও আমরা জানি না, সেই রিপোর্ট আমাদেরকে সামনে আনতে হবে। সেই অনুযায়ী আজকে পুরো ভারতবর্ষে সব জায়গাকার রেল কর্মচারী অল ইন্ডিয়া রেলওয়েজ ফেডারেশনের ছাতার তলায় আজকে এই আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। कई दिनों से सड़क पर जा रही स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी की जा रही थी। कई छात्राओं के साथ ऐसी घटना होने के बाद आज स्कूली छात्राओं ने एकजुट होकर विधाननगर पंचायत प्रधान और विधाननगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। छात्राओं का कहना है कि उन्हें कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जाता है। छात्रों का यह भी कहना है कि प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही होता रहा तो उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने मांग की है कि पुलिस बदमाशों को গ্রেফতার কর কারবাই করে আর প্রশাসন সড়ক পর সিসিটিভি ক্যামেরা লাগায়। কি হয়েছিল ব্যাপারটা কি একটু যদি খুলে বলো? আমাদেরই এক বান্ধবী, সে হচ্ছে সাইকেলে করে টিউশন আসছিল, তো তখনই পেছন থেকে তাকে একজন দুষ্কৃতি মানে খারাপভাবে ছোঁয়ার চেষ্টা করে, তো সে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু তখনই সে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর সে কাঁদতে কাঁদতে টিউশনে আসে এবং তখনই সে মিথ্যে কথা বলে বাড়িতে চলে যায় এবং সে বাড়িতে গিয়ে তার বাড়ির লোককে বলে, তারপর তার বাড়ির লোক আমাদের কাছে এসে বলে, তারপরে আমরা এখানে এসেছি। তোমরা কি এর আগেও তো থানায় লিখিত দিয়েছিল নাকি? হ্যাঁ লিখিত দিয়েছিলাম, কিন্তু পুলিশ সেটা প্রুফ না থাকার কারণে সেটা নেয়নি। তো এখন তোমরা নিজেরাই এসেছো, কি করবা এখানে? আমরা আমাদের একটা বিচার চাই, আমরা হচ্ছে নিরাপত্তা চাই, আমাদের একটা ভালো মানের ক্যামেরা চাই, যাতে আমরা রাস্তায় ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারি, কোনো রকম ভয় না পেয়ে, এটাই আমাদের দাবি। এটাই তোমাদের দাবি? তো এখন মানে থানায় কি একটা লিখিত তোমরা দিবে? হ্যাঁ দেব। এখন কাকে কাকে জানানো হয়েছে বিষয়টা? এটা লুনামা গ্রাম পঞ্চায়েতের যে প্রধান ঝর্ণা সরকার তাকে বলা হয়েছে, আর ওই যে কাজল ঘোষ তাকেও বলা হয়েছে। এখন আমরা পুলিশের কাছে বলবো তিনি কি করেন সেটা দেখবো। কি নাম তোমার? জয়া মল্লিক।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Char, 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 jata hai ra uta nahi chachar. चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी मात्र चार डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 27 जुलाई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, चार धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हॉल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। गणपति द्वारिका गैलेरिया अब सिलीगुड़ी में झट्टै संचालन में आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको सात तले शॉपिंग मॉल, जहां तपाईले सेपरेट सर्विस एलिवेटर, सिटिंग, लॉन्जिंग एरियाज, हाइजेनिक टॉयलेट्स र सेपरेट सर्विस एरिया को सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिंग र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किंग र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिंग गर्नुहोस् गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोर, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस, क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। ड्रीमिंग ऑफ विजिटिंग मिरिक? लक्जरी मीट सेरेनिटी, अ परफेक्ट ब्लेंड इन मिरिक्स माउंट क्वीन। जॉय हैज नो एंड, जस्ट अ 1.5 आवर ड्राइव फ्रॉम सिलीगुड़ी, द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रिलैक्सेशन और कॉर्पोरेट इवेंट्स। Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800-133-7000. Break के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में सामने आया दुखद हादसा, बेटे की मौत के सदमे में पिता ने गंवाई जान, सभी की आंखें से निकली आंसू। सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड में एक दुखद घटना में पिता और पुत्र की एक ही दिन मौत हो गई। 24 वर्षीय प्रसून दास ने आत्महत्या की, जिसके बाद उसके पिता बेनू दास को हार्ट अटैक आया। बेनू दास जो सिलीगुड़ी नगर निगम में मालिक थे, बेटे की मौत की खबर सुनकर गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। दोनों के शव को गुरुवार को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहाँ पूरे इलाके में मातम छा गया। बागडोगरा एयरपोर्ट पर शुरू हुई यात्री साथी ऐप, राज्य सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर पेश किया गया,
जहां सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस ऐप से यात्रियों और टैक्सी ड्राइवरों को ऑनलाइन बुकिंग में आसानी होगी, सुरक्षा बढ़ेगी और लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। एयरपोर्ट निदेशक ने कहा कि इससे दलालों पर पूरे तरीके से रोक लगेगी। पहले क्या होता था कि प्रीपेड टैक्सी अगर आपको बुक करना है तो आपको फिजिकली काउंटर पर जाना पड़ेगा, क्यू लगना पड़ेगा, फेयर को लेके भी कभी कभी समस्याएं होती थी। अब चूंकि ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, डेडिकेटेड ऐप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है जिसका नाम यात्री साथी रखा, आप लोगों को मालूम ही है, तो इसमें पैसेंजर को ईज़ ऑफ कन्वीनियंस होगा, वो अपने स्थान पर बैठे हुए ही बुकिंग करा पाएंगे और फेयर प्री डिटरमाइंड होगा, तो पैसेंजर के लिए कोई बार्गेनिंग का स्कोप भी नहीं रहता है, उनका डेस्टिनेशन के हिसाब से फेयर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। प्लस ये सारी गाड़ी रजिस्टर्ड होंगी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के प्लेटफॉर्म पर, तो पैसेंजर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी एक फैक्टर है जिसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो लाइक जैसे ओला उबेर में होता है कि उनका डेडिकेटेड कॉल सेंटर है, सारी गाड़ियां जीपीएस मॉनिटर्ड होती है, ट्रैकिंग होती है, तो आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के ऐप में भी ये सारे फीचर्स होंगे और इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स को सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रीजनेबिलिटी ऑफ फेयर जो होगा, वो तीनों फैसिलिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट। गर्भवती महिला सिविक वॉलंटियर को पीटने और घर में आग लगाने के आरोप में एक महिला गिरफ्तार। फांसीदेवा में एक महिला सिविक वॉलंटियर मांपी देवनाथ मैत्र पर उसके रिश्तेदार चिरोता देवनाथ ने हमला किया और उसके घर में उस पर आग लगा दिया। मांपी जो गर्भवती है, जो पैसे के लिए बेरहमी से पीटा गया जिससे वह बेहोश हो गई। चिरोता ने उसके पैर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, घर से कीमती सामान चुराकर फरार हो गई। मम्पी की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने चिरोता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। परिजन कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। হয়েছে গতকাল সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা 7টা নাগাদ আনুমানিক মাম্পি যেটা আমাকে বলেছে 7টা 10 নাগাদ ওই ওর যে বৌদি চিরতা উনি ওদের বাড়িতে গেছে, গেলে ও উনাকে চা বানিয়ে খাইয়েছে। চা বানিয়ে খাইলে ওকে নাকি বলছে মাম্পি টাকা দে, তা বলছে কিসের টাকা, তা বলবে দিবি কি, তা বলছে না আমি কিসের টাকা দেবো, তখন বলছে তাহলে তোর কানের দে, তখন ও বলছে কেন কানের দেবো আমি, বলে না তাহলে কানের আমি দোকানে বন্ধক রেখে আমার টাকা লাগবে, তখন বলছে না আমি কিছু দেবো না, তখন ওর সঙ্গে দস্তাদস্তি করে, দস্তাদস্তি করে ওর গলার একটা ওন্না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে ওকে মেঝোতে ফেলে দেয়, ফেলে ওর মাথাটা মেঝোর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঠুকরায়, ঠুকরানোর পরে ও সেন্সলেস হয়ে যায়। সেন্সলেস হয়ে গেলে ও উনি হয়তো ভাবে যে ও মারা গেছে, মারা গেলে ওর তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য ওর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় কেরোসিন তেল ঢেলে, ঢেলে দিলে যখন কিনা ওর পাটা মানে পুড়ে ওঠে তখন ওর হঠাৎ মানে সেন্স ফিরে আসে। সেন্স ফিরে আসলে ওর চটের বস্তা দিয়ে ওর পায়ের আগুনটা নিজেই নেভানোর চেষ্টা করে, চেষ্টা করে ততক্ষণে মানে যে আর কি কাজটা করেছে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। হ্যাঁ, গয়নাগাটি ওর মানে ঘরের যে আলমারি শোকেস সবই খোলা। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা ক্ষেত্র কে ফগদাইবাড়ি এলাকে সে সটে सड़क पर हालत गंभीर होने के कारण स्थानीय लोग नाराज हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि बारिश के मौसम में सड़कों की हालत बेहद ख़राब हो जाती है जिससे वाहन चलना मुश्किल हो जाता है और स्कूली बच्चे कीचड़ में फंस जाते हैं। पंचायत ने शिकायत के बावजूद कोई सुधार नहीं किया। पंचायत प्रधान ने आश्वासन दिया कि सड़कों की मरम्मत जल्द होगी लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पंचायत सदस्य सुमति रॉय ने कहा कि शिकायतें राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। আমি সবে তো দেখতেছি, আমি সবাই ঘুরতেছি দেখতেছি, হবে কাজ আসবে, প্রধান আমাদের দিবে, প্রধান যখন দিচ্ছে হচ্ছে। এই যে এক বছর দুটা ড্রেন হলো, সোলার জল দিচ্ছে, আবার জল শুরু হয়েছে, আবার ড্রেন আসছে, ওদেরকে বলছি হবে অবশ্যই যাইতো। যারা করতেছে তারা মিথ্যাবাজি, তারা হচ্ছে টিম ছিল লোক, ওরা তো রাতটা যেতে হাঁটতে পারি না, মানে পড়ে যাব, বেশি হাঁটি না, তোর জন্য পড়ে গেলে হাত পাওয়া ভাঙলে কি হবে। কত বছর ধরে এই অবস্থা? মেলা বছর ধরে, আমরা 20 বছর হলো এখানে, 20-25 বছর এখানে আসছি, রাস্তার ভালো হইতেছে না। আমাদের ভোট দেয় না,
আচ্ছা কোনো আশ্বাস কোনো কিছুই দেয় না না দেয় না কিছুই দেয় না দেখেও না নাম হ্যাঁ মিনতি কর্মকার सब्जियों की कीमतों की कागजात नहीं दिखाने पर महकुमा शासक ने थोक व्यवसायियों को लगाई फटकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य भर में टास्क फोर्स सब्जियों की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए बाजारों का दौरा कर रहा है। जलपाईगुड़ी सदर के महकुमा शासक ने पुलिस अधिकारियों के साथ जलपाईगुड़ी दिन बाजार का दौरा किया और थोक व्यवसायियों से सब्जियों की कीमत की जानकारी मांगी, लेकिन वे कागजात दिखाने में असफल रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कीमतें स्पष्ट नहीं की गई तो दुकानों को बंद किया जाएगा। बारिश के दौरान फुलवारी मडर चौराहे पर आकाश से बिजली गिरने से भीषण आग लग गई। तेज आवाज से पूरा इलाका दहल गया। बारिश के दौरान फुलवारी मडर चौराहे पर आकाश से बिजली गिरने से आग लग गई, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। बिजली गिरने से एक दुकान का सामान जल गया। दमकल ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुबह आग वाली दुकान के पास के घरों में बिजली मीटर विस्फोट जल गए। ग्रामीणों ने फुलवारी विद्युत कार्यालय को सूचित किया है ताकि अन्य घरों की बिजली सेवा सामान्य रहे। কাল কে থেকে তো আমাদের এখানে লাইন নাই। আজকে হঠাৎ করে যে সকালবেলা কি হলো, মনে হয় 9:30 দিকে কি যে হইলো, হ্যান্ডেলটা উঠাইতে গেলাম তো আবার ফট করে আগুন ধরে একবারে সব মিটার জ্বলে গেল। কি কারণে এমন হতে পারে, মনে কি কারণে যে এখন এরকম হলো? এখন ডিপার্টমেন্টে ফোন করলাম, লাইনের অফিসে ফোন করলাম, এখন লোক আসে ওরা দেখবে এখন কি হলো না হলো। জানা গেছে আপনার বাড়ির পাশে একটা দোকানে কালকে আগুন লেগেছিল। কালকে এখানে আগুন লেগে গেল, বাজপুরে বলে লেগেছে। সেই বাজি বাজপুরার কোন কি আপনারা এই সব এরকম জানি এখন যে কি থেকে কি হলো এটা তো আর বলতে পারছি। কতটা আতঙ্কে রয়েছেন এখন? তো আমরা ভয়ে আতঙ্ক হয়ে গেছি। আপনার বাড়িতে হয়েছে নাকি আরো কয়েক বার? আরো আশেপাশে ওই রকম হয়েছে, একই রকম অবস্থা। হ্যাঁ এরকম হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম মাহমুদা বেরিয়া। কোন জায়গায় বাড়ি? আমাদের পশ্চিম ধন্তনা। सिलीगुड़ी दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब ने खूंटी पूजा के साथ दुर्गा पूजा का आगाज किया। सिलीगुड़ी दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब ने अपने 43वें वर्ष लाइफ इन स्टोर थीम के तहत दुर्गोत्सव की शुरुआत की। आज खूंटी पूजा के साथ उत्सव का माहौल बना, जिसमें क्लब के सचिव बाबुल पाल चौधरी, डिप्टी मेयर रंजन सरकार और अन्य सदस्य ने भाग लिया। रंजन सरकार ने बताया कि इस साल मंडप प्रकृति पर आधारित होगा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और सुरक्षा बलों की निगरानी की जाएगी। क्लब के पास बड़ी जगह है जहां कई दुकानें भी लगेंगी। যেভাবে ঐতিহ্যবাহী দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব শিলিগুড়ির দুর্গোৎসব পালন করে আসছে, এবারেও অভিনবতার প্যান্ডেল থাকছে, মায়ের সজ্জা থাকছে, সেইভাবেই পাথর এবং প্রাকৃতিক যে সমস্ত জিনিস দিয়েই এবার আমাদের এই গাছ, যেগুলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের, তাই দিয়েই এবার একটা নতুন ধরনের আকর্ষণ থাকছে, যেটা আমরা থিম নাম দিয়েছি পাথরেরও প্রাণ। তো সেটাকে সামনে রেখেই এবার 43তম দুর্গোৎসব দাদাভাই স্পোর্টিং পালন করবে। আজকে কুটি পুজোর মাধ্যমে আমাদের পুজো শুরু হলো। সকলের জন্য মায়ের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করব আমরা, আমাদের ক্লাবের বিভিন্ন যে কর্মকাণ্ড সেগুলো যেভাবে আমরা সারা বছর ধরে করি, যে ঐতিহ্য মেনে দুর্গাপুজো হয় সেটাকেই এবারও খুব ধুমধাম করে শিলিগুড়ির মানুষ সবার জন্য সার্বজনীনভাবে দাদাভাই স্পোর্টিং এগিয়ে। অরুণ সিং বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত কে রায়মতি ক্ষেত্র কার নিবাসী নি मानवता का परिचय दिया। आज खोड़ीबाड़ी थाने से ड्यूटी खत्म कर घर लौटते समय उसने एक कछुए के बच्चे को पास के इलाके में देखा। अरुण ने कछुए को बचाया और अपने घर ले आए। घर आकर उन्होंने घटना की जानकारी वन विभाग को दी। इसके बाद टुकड़िया झाड़ वन विभाग के कर्मचारी ने मौके पर पहुँच के कछुए को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया मा 1 करोड़ केवल 6 रुपया मा किन होस डेढ़ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया का 6 रुपया मा 1 करोड़ 6 रुपया मा 6 रुपया डेढ़ साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।